दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आज आपको मुझसे शादी करोगे के एपिसोड में क्या देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको बताते चले कि आज जो है वो बहुत ज़्यादा हंगामा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इतना ज़्यादा हंगामा होगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको बताते चले कि स्टार्टिंग में जो है वो पारस और जो शहनाज हैं वो लोग डिसाइड करेंगे कि कौन उनके साथ डेट पे जाएगा। तो पारस जो हैं वो जसलीन का नाम ले लेते हैं और पारस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आते हैं। और जब ये नाम लेते हैं तो पारस के चेहरे पे अलग ही स्माइल आती है और मतलब हर चीज़ बताते हैं वो कि क्यों वो जसलीन को लेके जाना चाहते हैं और नवदीस को लेके नहीं जाना चाहते। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो ये है कि आज जो है वो घर के अंदर लड़ाई भी होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बताते चले कि उसके बाद शहनाज जो है वो नाम लेती हैं डॉक्टर साहब का और डॉक्टर साहब के बारे में बताती हुई दिखती हैं शहनाज कि डॉक्टर साहब, आपने जो डिश बनाई थी वो डिश तो मुझे समझ ही नहीं आई। आप खुद ग्रीन टी पीते हो, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हो और मेरे को पता नहीं क्या आप डाल के खिला दिए। इससे अच्छा तो आप जहर डाल के खिला देते उस खाने में। इसके बाद डॉक्टर साहब जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं और यहीं से समझ में आता है कि थोड़ा बहुत डॉक्टर साहब और शहनाज का जो रिलेशन है वो थोड़ा बहुत अच्छा दिखता है। दोस्तों, उसके बाद स्टार्ट हो जाती है घर में लड़ाई का जो माहौल होता है वो पूरा बन जाता है। सबसे पहले तो आपको बताते चले कि जो शहनाज हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं भाई साहब पे, और भाई साहब पे इसलिए गुस्सा होती हैं क्योंकि उन्होंने जो जय भानुशाली आए थे उनको ये बोल दिया था कि उनका जो टेडी बियर उन्होंने दिया था उसमें उन्होंने सिद्धार्थ का टी शर्ट पहना दिया। अब इसी बात पे शहनाज जो हैं यहाँ पे घर वालों के सामने बोलती हुई नज़र आती हैं और कहती हैं कि यार एक बात बताओ, उसने मुझे सिद्धार्थ लिख के दिया था टेडी बियर पे अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से, इसीलिए मैंने बलराज का जो गिफ्ट था उसको एक्सेप्ट किया टेडी बियर के तौर पे। तो अगर मैंने उस जो टेडी बियर था उसको सिद्धार्थ का टी शर्ट पहना दिया उसके ऊपर तो उसको क्या प्रॉब्लम है, बताओ आप। तो इसी बात से शहनाज काफ़ी ज़्यादा खफा हो जाती हैं और अगर बलराज से लड़ाई होती तो चलता, समझ में आता। लेकिन यहाँ पे जो शहबाज हैं, जो भाई हैं शहनाज के, उनसे लड़ाई हो जाती है शहनाज की। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चलें, शहनाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं शहबाज पे और शहबाज को बहुत सारी बातें भी कह देती हैं। शहनाज यहाँ पे कहती हुई नज़र आती हैं, शहबाज तू चुपचाप रहे और अपनी औकात में रहे, क्योंकि अगर तू यहाँ पे है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे वजह से है। अगर मैं नहीं होती यहाँ पे तो तू भी नहीं होता, ठीक है, समझा। तो बकवास बंद कर, वरना अगर मेरा दिमाग ख़राब करेगा तो तेरे को लात मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। दोस्तों, इसके बाद बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है दोनों के बीच में और शहनाज जो है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों आज मुझसे शादी करोगे के घर में। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।